हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में परफेक्ट सूजी का हलवा कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए, सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उस कढ़ाई में हम एक कटोरी घी लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हलवा हम सभी के घरों में बनता है, लेकिन बस सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं जो मेज़रमेंट आपको बताने जा रही हूँ, उस मेज़रमेंट के साथ अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपका सूजी का हलवा बहुत ही परफेक्ट और शानदार तैयार होगा। देखिए, अब मेरा घी गर्म हो गया है, मैं इसमें 8-10 लौंग डाल दी हूँ। अब हम लौंग को अच्छे से घी में फूलने देंगे। देखिए, मेरा लौंग अच्छे से फूल गया है घी में। अब यहाँ पर मैं एक कटोरी सूजी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मैंने एक कटोरी घी लिया था, इसलिए एक कटोरी सूजी ऐड करूँगी। और यहाँ पर आपको फ्लेम को लो करके इसे अच्छे से भून लेना है। ध्यान रखिएगा कि आपका फ्लेम जो है वो लो ही रहना चाहिए। अगर आप तेज आंच में भूनेंगे तो आपका सूजी जल सकता है, इसीलिए यहाँ पर आप आंच को कम ही रखें। हमारे यहाँ पे शादियों का सीज़न चल रहा है और हर नई दुल्हन को ये बहुत टेंशन होती है कि वो अपनी ससुराल में पहली रसोई क्या बनाए। तो मैं उन सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से इस मेज़रमेंट के साथ एक बार हलवा बनाएँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी कि आपका हलवा कभी नहीं बिगड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हलवा भून के रेडी हो चुका है। अब आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट कलर आया है ना। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी लिया था ना, इसीलिए मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूँगी। जस्ट डबल, जितना आपको घी लेना है उतना सूजी लेना है और जस्ट डबल आपको उसका पानी लेना है। देखिए, पानी को धीरे धीरे करके डालना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े। और कंटिन्यू चलाते हुए इस स्टेज पे आपको फ्लेम को हाई कर देना है। देखिए, अब इस स्टेज में मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास में केसर नहीं था फ्रेंड्स, तो मैं फूड कलर डाल दी। अगर आपके पास में केसर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप केसर डाल सकती हैं। और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको बिना कलर के बनाना है तो आप बिना कलर के भी बना सकती हैं, क्योंकि इसके बिना भी आपका हलवा उतना ही शानदार और लाजवाब बन के तैयार होगा। बस मेरे बच्चों को पीले रंग का हलवा पसंद आता है, इसीलिए मैं कलर उसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, 1.5 कटोरी शक्कर है। अगर आपके घर में मीठा कम पसंद करते हैं तो आप शक्कर को कम डाल सकती हैं, मतलब 1.5 का आप 1 कर सकती हैं। मेरे घर में मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं 1.5 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। अब शक्कर को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और ध्यान रखिएगा आपका फ्लेम जो है हाई ही रहे। देखिए फ्रेंड्स, हर कम्युनिटी में किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मीठा बनाना पसंद किया जाता है। तो ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये मीठा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहती हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकने देना है शक्कर में। और आप इस मेज़रमेंट के साथ एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका हलवा कैसे बना। यह मेरी गारंटी है कि आपका हलवा बिल्कुल शाही हलवा बन के रेडी होगा और सारे लोग आपकी बड़ी तारीफ़ें करेंगे। ये देखिए, अब ये लगभग रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसे, मतलब पूरा पानी नहीं सुखाना है, जैसे हल्का सा पानी रहेगा तो हमें इसे कवर करके रख देना है। लगभग 2 से 3 मिनट हम इसे कवर करके रख देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। जैसे किसी चीज़ को दम में रखते हैं ऐसी फ्लेम को लो करके हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। अब चेक करते हैं इसे। देखिए हमारा सूजी जो है वो पूरी तरीके से पक चुका है। आप टेक्स्चर देख सकते हैं कितना बेहतरीन है ना। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, मैं इसमें अब अपने इसमें सीक्रेट डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डालती हूँ, लगभग ये 1/2 कटोरी करीब मलाई है। अगर आपके पास में मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप 1 कप जो है फुल क्रीम दूध ऐड कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मलाई डालने से इसका टेक्सचर जो है इतना लाजवाब हो गया है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई कर देना है ताकि मलाई जो है वो मेल्ट हो जाए। 1-2 मिनट के लिए हाई करेंगे, फिर हम इसे
और एक बार ढक्कन लगा के 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम में। देखिए अब हमारा मलाई जो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, मैं फ्लेम को लो करके थोड़ा 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। अब देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं कितना बेहतरीन हलवा बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम एक बार हाई फ्लेम में इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके चम्मच चलाते हुए अच्छे से एक बार और सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप खुद ही देख सकती हैं कि कितना परफेक्ट हलवा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल हर एक दाना खिला खिला हुआ है, ना तो ये गीला हुआ है, चिपका है, ना तो ये कड़ा है। बिल्कुल परफेक्ट शाही हलवा बन के रेडी हुआ है हमारा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है हमारा हलवा। देखिए तो आइए हम इसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिए कितना शानदार है ये। अब मैंने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ था ड्राई फ्रूट्स, उसी से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए, आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वो डाल सकती हैं। आइए पास से दिखाती हूँ। ये देखिए,